हेलो बंधुरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे दिन आमी तुम्हारे काछे आलोचना करेछिलाम वार्ड सम्पर्के एबं सेंटेंस सम्पर्के, पार्ट्स अफ ए सेंटेंस, सेंटेंस काके बोले, एसब सम्पर्के आमी तुम्हारे काछे आलोचना करेछिलाम। आज आमी तुम्हारे काछे आलोचना करब सेंटेंस के मेनलि कय भागे भाग करा जाए, प्रधानतः सेंटेंस के कय भागे भाग करा जाए। प्रधानतः सेंटेंस के तीन भागे भाग करा जाए, किन्तु प्रकाशे धरन अनुयायी सेंटेंस के पाँच भागे भाग करा जाए। ताई प्रधानतः जे तीनटी भाग आछे सेंटेंस सेई निये आमी आलोचना करब। सिम्पल सेंटेंस, सेंटेंसेर प्रथम भाग हच्छे सिम्पल सेंटेंस, द्वितीय हच्छे कमप्लेक्स सेंटेंस, तृतीय हच्छे कम्पाउंड सेंटेंस। प्रथम भाग सिम्पल सेंटेंस। सिम्पल सेंटेंस काके बोले, जे सेंटेंस एक मात्र फाइनाइट वर्ब बा असमापिका क्रिया थाके ताके सिम्पल सेंटेंस बोले बा सरल वाक्य बोले। फाइनाइट वर्बटा ताहले कि बंधुरा, आमादेरके फाइनाइट वर्ब सम्पर्के जानते हबे। फाइनाइट वर्ब हच्छे एमन एकटा वर्ब, फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब हुईच क्लियार्स द आइडिया अफ ए सेंटेंस एंड मेक परफेक्ट अफ ए सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब बोलते गेले बंधुरा कतकटा इंडिपेन्डेंट क्लसर मतो। इंडिपेन्डेंट क्लस जेमन एकटा सेंटेंसेर मध्ये थाके एबं सेंटेंसटार क्लियर आइडियाटा एक्सप्रेस करे, सेंटेंस कि बोलते चेहे से आइडियाटा प्रकाश कर दे, सरकम फाइनाइट वर्ब हे एक सेंटेंसे बसे सेंटेंसर आइडियाटा प्रकाश कर जाए। जमन एक्साम्पल, उट राइस, आम्रा भात खाई। एखाने देखो बोला हुआ है आम्रा कि खाई, आम्रा भात खाई। एखाने किन्तु सेंटेंसर आइडियाटा पुरोपुर प्रकाश पे आम्रा भात खाई। तारपर कि आछे कमप्लेक्स सेंटेंस। कमप्लेक्स सेंटेंसटा कि बोले बंधुरा, कमप्लेक्स सेंटेंस जे सेंटेंसे प्रधान वाक्यांश छाड़ा एक बा एकाधिक अप्रधान वाक्यांश थाके थाके कमप्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्य बोला हय। कमप्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्ये उदाहरण, हि लाभस फ्लावर्स, से फुल भालोबासे, हुईच आर सुइट सेंटेंस, सेंटेड, से फुल भालोबासे किन्तु जेगुलि हच्छे सुइट सेंटेंस मैं मिस्टी सुगंधर। कमप्लेक्स सेंटेंस ताहले कि, कमप्लेक्स सेंटेंस बंधुरा कि थाके, कमप्लेक्स सेंटेंसे एक ही प्रधान वाक्यांश, एंड इंडिपेन्डेंट क्लस, एंड एटलिस्ट वन डिपेन्डेंट क्लस, एकटाओ थाकते पारे एकेर बेशीओ थाकते पारे अप्रधान वाक्यांश बा डिपेन्डेंट क्लस। एरपर आसछि आमरा कम्पाउंड सेंटेंस। कम्पाउंड सेंटेंस बंधुरा कि, कम्पाउंड सेंटेंस काके बोले, जे सेंटेंसे दुई बा ततोधिक प्रधान वाक्यांश थाके ताके कम्पाउंड सेंटेंस बोला हय। एरपर कम्पाउंड सेंटेंसेर उदाहरण, हि लाभस फ्लावर एंड हि बायस, से फुल के भालोबासे एबं से फुलटाके बाय करछे। देखो बंधुरा कम्पाउंड सेंटेंस कि थाके, कम्पाउंड सेंटेंस हैज टू इंडिपेन्डेंट क्लस और सेंटेंस। एक कम्पाउंड सेंटेंस दुटो इंडिपेन्डेंट क्लस थाकते पारे, सेटा माझे जुक्त हुए थाकते पारे और दुटो सेंटेंसो थाकते पारे। द इंडिपेन्डेंट क्लस कैन बी जॉइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कि सच एज एंड, फॉर, बट और सेमिकोलन, यही सब दिए पड़े एक कम्पाउंड सेंटेंस गठन करा है। कम्पाउंड सेंटेंसे दुटी जे सेंटेंस थाकबे सेई सेंटेंसेर माझे एंड, फर, बाट एगुलि दिए पड़े बा सेमिकोलन दिए पड़े कम्पाउंड सेंटेंस गठन करा है। सेमिकोलन दिए पड़े दुटी सेंटेंस के जुक्त करा है एकटी कम्पाउंड सेंटेंसे। जेमन एकटा उदाहरण सेमिकोलन दिए बोली, फर एक्साम्पल, द स्काई इज क्लियर। देखो द स्काई इज क्लियर, तारपर एकटी सेमिकोलन, द मून इज शाइनिंग, आकाशटा परिष्कार ताई चाँद उज्ज्वलित। ওরে তাই এটিকে একটা আমরা বলবো কম্পাউন্ড বা যৌগিক বাক্য। তারপরে দেখো বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার প্রকাশ করে দিয়েছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লস সম্পর্কে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস কি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লসে কী থাকে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস কন্টেন সাবজেক্ট ভার্ব অ্যান্ড এক্সপ্রেস এ কমপ্লিট থট। কমপ্লিট থট কন্টেন্স মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লসে, বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস মানে কি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস যেটা নিজের উপর নির্ভরশীল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সে একা একাই আসতে পারে। কন্টেন্স এটাতে থাকে, সাবজেক্ট থাকবে একটা এবং ভার্ব থাকবে একটা, এবং এই সেন্টেন্সে আইডিয়াটা প্রকাশ করা থাকবে, একটা কমপ্লিট থট থাকবে, কমপ্লিট আইডিয়া। এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লসে কী থাকবে, ডিপেন্ডেন্ট ক্লসও সাবজেক্ট ভার্ব থাকবে, কিন্তু এখানেই কি এখানে আইডিয়াটা পুরোপুরি প্রকাশ পাবে না, তার জন্যে একে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বলা হচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা কি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস থাকে, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেও ডিপেন্ডেন্ট ক্লস থাকে, কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্সে শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস থাকে। তাহলে বন্ধুরা আজকে এই অবধি থাক। পরের দিন আমরা প্রকাশের ধরন অনুযায়ী সেন্টেন্সকে যে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় সেই ভাগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। সো গুড বাই বন্ধুরা।